भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कांगड़ा के नगर परिषद मैदान में हुई हुंकार रैली के बाद अब कांग्रेस ने उस पर तीखा प्रहार करना शुरू कर दिया है। धर्मशाला में शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 22 सितंबर को नगर परिषद मैदान में अपने संबोधन में शांता कुमार को पानी वाला मुख्यमंत्री कहा था। उन्होंने आरोप लगाया अगर ये सच है तो पानी की स्कीमों में संतुष्ट बिंदु आ जाना चाहिए था। इसका मतलब ये होना चाहिए था कि कहीं से मांग नहीं आनी चाहिए, फिर सब जगह से नई पानी की स्कीमों की मांग क्यों उठ रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खुद ही शांता कुमार का नाम पानी का मुख्यमंत्री रख दिया होगा और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सड़कों वाला मुख्यमंत्री कह दिया। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की क्या स्थिति है वे सब जानते हैं, उसका सुधार कब शुरू हुआ जब प्रदेश बना। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार से लेकर अब तक निरंतर सड़कों का काम चला हुआ है। उसमें अगर कोई ये कहे कि 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी ने कोई जादू की छड़ी दिखाकर चमत्कार कर दिया है और प्रदेश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है तो वैसा नहीं हो सकता। शर्मा ने कहा कि जहां तक अमित शाह ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार की बात कही तो वे लोग जिन्होंने सारा षड्यंत्र रचा है मुख्यमंत्री को फंसाने का वे लोग तो कहेंगे ही, लेकिन जो कानून है वो अपना काम कर रहा है, उसमें मुख्यमंत्री अपना सहयोग और सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। देखिए ये जो हमारा सिंथेटिक ट्रैक यहाँ धर्मशाला में है उसके पवेलियन का आज जो है उद्घाटन हुआ है, लगभग ये 90 लाख की लागत से बन करके तैयार हुआ है और इससे मैं समझता हूँ कि जो यहाँ एथलेटिक्स की एक्टिविटीज़ होती है उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए पानी का अगर मुख्यमंत्री कहा तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि आज पानी की स्कीमों को में सैचुरेशन पॉइंट आ जाना चाहिए था, कहीं पर नई मांग नहीं आनी चाहिए थी। तो फिर भी इतनी मांग क्यों है सब जगह से कि नए जो है पीने की पानी की स्कीमें चाहिए। मैं नहीं समझता कि हम लोग उसको अभी तक पूरा अचीव कर पाए। वो सिर्फ खुद ही उन्होंने नाम रख दिया होगा और दूसरे जो है उनको सड़कों वाला कह दिया। सड़कों की क्या स्थिति प्रदेश के अंदर है वो हम सभी जानते हैं। उसका सुधार कब शुरू हुआ, जब प्रदेश बना डॉक्टर वाईएस परमार के समय से लेकर के अब तक जो है वो निरंतर सड़कों के ऊपर काम हुआ है। उसमें अगर कोई ये कहे कि 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी ने कोई जादू की छड़ी से चमत्कार कर दिया और सारा प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो वैसा नहीं होता। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, वो लोग जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा और मुख्यमंत्री को फंसाने का प्रयास किया है वो तो कहेंगे ही, लेकिन जो कानून है वो अपना काम कर रहा है, उसमें मुख्यमंत्री सहयोग दे रहे हैं और सच्चाई जो है वो जनता के सामने एक दिन आएगी। सर गौरतलब है कि 22 सितंबर को नगर परिषद मैदान कांगड़ा में हुंकार रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि शांता कुमार पानी वाले और प्रेम कुमार धूमल सड़कों वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वहीं आज के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार के नाम पे जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद भी इस्तीफा ना देने की वीरभद्र सिंह ने नई शुरुआत की है।